मेरा इंतजार करते हुए उसे तुम लोग मिलोगे। ताहिर, ये तो उसके पास है। अगर कोई मसला हुआ तो वो जीत को लेकर भाग जाएगा। मैं भी आऊंगी। अरे भाभी, तुम कहीं नहीं जाओगी नफीस। मैं आऊंगी। बाहर जाओ। देखो, अस्मा तुम्हें हमारी हवेली लेकर जाएगी। मैं निकाह के वक्त से पहले ईद को लेकर आ जाऊंगा। तुम सुकून से वहाँ हमारा इंतजार करोगी, बस ठीक है? बिल्कुल नहीं। मैं थक गई हूँ तुम्हारी हर बात की रोक टोक से। अपने और ईद के फैसले मैं खुद करूंगी। मैं ईद की माँ हूँ, मैं हर हाल में आऊंगी, समझे? बस करो। दो दिनों से मेरा सर खाया हुआ तुमने। हर किसी से लड़ा हूँ, तुमसे भी लड़ाई की, क्या करूँ मैं अब? अब जब ईद उस बगैरत के हाथों में है तो अब मैं क्या करूँ बताओ तुम? एक दफा चुप हो जाओ तुम, बस मुझ पे भरोसा रखो और ये सोचो कि ताहिर कर लेगा। लाओगे ना? वादा है। अपना ख्याल रखोगे, ये भी वादा करो। वादा करता हूं नफीस। ठीक है फिर, इस दफा जो ताहिर कहेगा वैसा होगा। शुक्र है। अब अस्मा के साथ जाओ तुम। जब मैं ईद को लेकर आऊं तो शादी के लिए तैयार है। अस्मा पे छोड़ती तो सब बर्बाद हो जाता। उसे तो सुबह सुबह यहाँ आना था, शाम होने को आई है, उसका कुछ पता नहीं है। ओए अम्मी, जरा देखें, मैं तो इसमें शरबत डालना ही भूल गई। इस तरह उदास बैठने के बजाय अगर थोड़ी मदद कर देंगी मेरी तो क्या हो जाएगा? उठ जाएं जरा। इसमें मीठा और खटास सही है? मुझे यकीन नहीं आ रहा आपका इस तरह से उठ के मदद करना मेरी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप नफीस के लिए कुछ बना रही हैं। ओ अम्मी, मैंने तो बस कोशिश की थी कि आपसे थोड़ी मदद ले लूं। अच्छा ठीक है आप अपना काम करें, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं चली। अम्मी, आज तो आप बेहोश नहीं होंगी ना? क्या मतलब है इसका? आप पहले भी एक दफा शादी के टाइम पर बेहोश हुई हैं, याद है आपको? और सबने कहा था कि बहू आई और सास चल बसी। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे सर पे दरवाजा लग गया था उस वक्त। हाँ जानती हूँ। अरे नफीस, तुम्हें तो मुस्तफा लेने गए थे ना, कहाँ है वो? आसिया बाजी, मैं बताती हूँ आपको। हाला, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मुस्तफा भाई को आपने विदात का मंसूबा जो बता दिया। मेरे बेटे कहाँ हैं? वो ईद को विदात से लेने के लिए गए हैं। आज तो जंग है। अरे क्या हुआ सानिया खाला? आप ठीक तो है ना?